एक चोर जू चौपाटी पे खड़ा हुआ है, जो जिनको डोंबारी कहते हैं, इस छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं चलते चलते। नीचे ढोल बाजा, डम मड़कम डम मड़कम डम मड़कम डम मड़कम डम मड़कम डम मड़कम डम मड़कम। बैलेंस करने वाला अपने हिसाब में बैलेंस में लगा हुआ। आ गया, उतर गया, लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया। ये चोर साइड में खड़ा, बोले इधर आना, मेरे साथ काम करेगा? क्या करने गए अब बताओ, मैं करेगा? तो सुन, अपना दिन का काम नहीं है, मैं रात को नाके पे खड़े रहूँगा, उधर आ जाना तू। ये चोर, हाँ ठीक है मैं आ जाएंगे। रात को 12 बजे नाके पे चले गया। चोर बोला, आ गया, ये 250 रुपये पकड़, काम के पहले, काम के बाद 250 दूंगा। ये तीसरे माले की खिड़की दिख रही है? कौन सा? हाँ हाँ, दिखा 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 मेरे को दिखा। हाँ चढ़, इधर से ऊपर पाइप से चढ़, सीधे जा, जो खिड़की के पास सामान विमान रहेगा नीचे ले गया। बस इतना ही क्या? ठीक है। अब इसने चढ़ना शुरू किया पाइप के ऊपर। दूसरे माले पे पहुंच गया, खड़े हो गया। चोर बोला, चढ़ना? मैं नहीं चढ़ूंगा। अबे चढ़ना, पैसे देता हूँ ना, ऊपर चढ़। मैं नहीं चढ़ूंगा। क्यों नहीं चढ़ेगा बे? पहले ढोल तो बजा। कुछ बेचारे कामाटी लोग होते हैं, कामाटी, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते हैं, ईंटें पत्थर वगैरह लेके जाते हैं। इन लोग की बात कर रहा हूँ। इनका एक मिस्त्री होता है। हाँ मिस्त्री, मैं बरोबर सोच रहा हूँ। एक चर्च का काम हो रहा था, काफी मजदूर लोग काम कर रहे थे, और जो इनका मिस्त्री है वो सबसे टॉप पर बैठा हुआ था। और ये मिस्त्री हमेशा याद रखे बीड़ी यहाँ पर रखते हैं। यूं ऊपर लगा के उसकी जात में गाना बोल रहा है, जैसे साइड में रखा बीड़ी निकालने जो गया, जो उसके ऊपर से बैलेंस गया, जो नीचे आके गिरा, अगल बगल जितने काम करने वाले थे सब दौड़ते दौड़ते, उठ बुलकला नार कुंडा बटकड़ा, उठ बुला नार कुंडा बटकड़ा, उठ बोंडा, अयो अयो, जो गिरा वो लगा हुआ। जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भागते भागते आया, उठ बुला नार कुंडा बटकड़ा, बुला अंड बुला नार कुंडा बट्टा अंड बुला हटा हटा पड़ा हटा, अरे हटा बुला, चल मेरा पैर से हट रे, मेरा पैर भी खड़ा है तू। इतनी भीड़ हो गई, फादर आए, सबको साइड में हटाए, साइड प्लीज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फादर, ये ऊपर से नीचे गिर गया, अयो बुटो पुडो बुटो पुडो रे। हाँ एक मिनट, आप रोना कम करो। आपके रोने की वजह से और चिल्ला रहा है वो, उसको लग रहा है वो गया। चुप रहो, क्या हुआ आराम से बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम बुच्चन्ना है। क्या? बुच्चन्ना। ठीक है, बुच्चन्ना बुच्चन्ना बुच्चन्ना। अच्छा बुच्चन्ना गिरा हुआ है, अयो उठो बेटा, तुम ठीक तो? मैं ठीक है। कहाँ से गिरा? ये ऊपर क्रास के ऊपर, टॉप के ऊपर काम करता था, ऊपर से नीचे आया। देखा, यानी गॉड इसके साथ में था, तभी मैं बोला मेरे को धक्का किसने मारा। हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, थोड़ी देर बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ, 3 घंटे 4 घंटे बाद जब बाहर निकाला, पड़ा हुआ, डॉक्टर वगैरह सब खड़े हुए हैं, साइड में कॉन्ट्रैक्टर खड़ा हुआ, डॉक्टर हम लोग आ सकते क्या? देखो होश में आ रहे हैं, होश में आ। बुच्चन्ना 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 आवाज सुनाई दे रही है, बुच्चन्ना आवाज सुनाई दे रहा है, बुच्चन्ना आवाज सुना, ये आवाज सुनाई देता रहे मेरे को, मेरा बीड़ी किधर रखा हुआ तुंटे। और जहां तक अस्पताल की बात निकली है, मैंने 2 कैरेक्टर देखे, 2 यूपी के कैरेक्टर। अब जो हॉस्पिटल का माहौल होता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का, ओपीडी होता है सवेरे, जो बीमार है वो लगा हुआ है लाइन में बैठे हुए हैं,
मोरे मैया हूँ। इसके भाई इसका बाजू में खड़ा हुआ, काया हूँ कर रहा है, हट मारे रहा है। तबीयत खराब, नहीं तो हूँ नहीं तो करूँगा, कट्टू करूँगा। अब जो हॉस्पिटल का वार्ड भाई है वो देख रहा है, बोले रामप्रसाद कौन है? ये तुमच्या दोघन में से रामप्रसाद कौन है? चलाओ तुम, बुलाया डॉक्टर ने, अब बीमार उठा उसका भाई भी उसके साथ। डॉक्टर के पास जैसे पहुंचे डॉक्टर बोले, हाँ बैठो। अरे ये सब छोड़ो, आगे बताओ क्या प्रॉब्लम है? आंखें दर्द करता है, नाक दर्द करता है, छतिया दर्द करती है, पेट दर्द करता है, पैर दर्द करता है। डॉक्टर बोला ऐसी कौन सी जगह जहाँ तेरे को दर्द नहीं है? इसीलिए तो आपके पास आए हैं, देखिए। डॉक्टर बोले आराम से बैठो, हिलना मत, आराम से। स्टेथो निकाला डॉक्टर ने, लगाया कान को। सांस लो। ए, हाँ सांस छोड़ना। आपने लेने कहा था, छोड़ना कब कहा था? अच्छा ठीक है, और क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब खांसी होती है, ज्यादा बोलना नहीं हो रहा है। हमारा भाई बोले ते बताओ। अब वो जो लगा हुआ वो फास्ट लगा हुआ है डॉक्टर साहब, बहुत एकदम एकदम बराबर, एकदम इसका पेट में बराबर खराबी नहीं होता, बराबर खाना नहीं जाता, और छतिया में एकदम एकदम ऊपर नीचे ये होता रहता है, बहुत एकदम पागल जैसा करता रहता है, रात को उठता है हमको उठाता है, ना माँ को सोने देता ना हमको सोने देता, इसका कुछ पता नहीं चलता। अभी हम लेके आए हैं। जब बच्चा अपना जब डांस करता है स्टेज पर, हर माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। बच्चा स्टेज पर आया तो माँ बाप के क्या एक्सप्रेशन होते हैं? जैसे बच्चा छोटा बच्चा है स्टेज पर ब्रेक डांस, जब ब्रेक डांस नया नया आया था, ये उस लड़के के बाप ने देखा, उसने देखते जैसा मेरा लड़का है, मेरी माँ की कसम, खाली पांच साल का खाली। बगल वाले ने देखा बोले, हैं पांच साल का? अब जो मेरा आएगा ना उसको देखना तू। दूसरा आया, शुरू हो गया। क्या बोलोगे इसके लिए? बात करते हो, तुम्हारा पांच साल का है, मेरा तीन साल का है। तीसरा जो खड़ा था वो बोला, तमेरा पांच साल का नहीं और तमेरा तीन साल का, मेरा तो बचपन से ही ब्रेक डांसर है, मालूम पड़ा बच्चा चलना सीख रहा है।